पैरों में बांध दिए गुरु, दुख के पैरों में बांध दिए गुरु, सिसकियों को सिखलाई रागदारी की बारीकियां, आंसुओं की गुनगुन से बनाई विलंबित बंदिशें, मन अब पारंगत नृत्य में कुशल नर्तक साथे रखता है, जब जब में गरजते हैं तो फैलाता पंख अपने, बजते हैं घुंघरू लयबद्ध छम छम छम। कभी कभी हृदय में ठुमकता ठुमरी सा बोल बनाव श्रृंगार रस में डूबा अब खनकता है दुख छम छम छम। जीवन वह आवर्तन जहाँ पीड़ाएं काल खंड की चुनौतियों में हर बार नया मुखड़ा जोड़, हर बार नया टुकड़ा जोड़ मुखड़ उखड़ा पकड़ सम पर आने को आती। अगली कविता का शीर्षक है पतझड़ी पीले पत्ते। उन सूखे पीले पतझड़ी पत्तों ने कहा तो बहुत कुछ था पर सुना नहीं तुमने। वह दिखते सूखे सूखे थे पर भीतर गांव भरे थे, पर दिखते सूखे सूखे थे पर भीतर घाव भरे थे। उन पीले सूखे पत्तों ने चरमराहट की करांग में सहा तो बहुत कुछ था महसूस नहीं किया तुमने। कैसे बिछड़े थे कुछ फूल उनसे, कैसे झड़ गए थे कुछ कच्चे पक्के फल उनके, कुछ चुरा लिए गए छल से, कुछ तोड़ लिए गए बल से, कुछ पत्थरों की चोट सहते रहे, उन लड़खड़ाते खड़कते पत्तों की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां थी। बसंत और बहार की रस भरी स्मृतियां थी, बगिया और माली की भीतर बंद निशानियां थी, धैर्य की भाषा लिपि सीखी नहीं तुमने। उन सूखे पत्तों ने खाद मिट्टी में मिलते हुए चुपके से लिखा तो बहुत कुछ था उन पांडुलिपियों को कभी पढ़ा नहीं तुमने। अगली कविता है ओ बड़ी मछलियों। ओ बड़ी मछलियों, छोटी मछलियों ने समवेत स्वर में कहा, ओ बड़ी मछलियों तुम्हारे पास मासी को अपने जैसी मादा समझ हम आई हैं, पर तुम तो हमें धीरे धीरे कुतर रही हो। सुनो तुम्हारे चबाने से हम मृत नहीं हुई हैं, हाँ घायल जरूर हुई है, तन से ज्यादा मन आहत हुआ है। ओ बड़ी मछलियों हम छोटी मछलियों को बख्श दो, ओ बड़ी मछलियों हम छोटी मछलियों को बख्श दो, मत चबाओ समुद्र का विस्तार हमें प्यार करता है, वहां जहरीले जंतुओं से अभी हमें उलझना सुलझना निपटता है। सीखने दो भयंकर तूफानी अंधेरी रातों में तैर कर सूर्य की चमकीली किरणें ओढ़कर सुबह का नाम बढ़िया। अभी अभी तो आलाप शुरू हुआ है, अभी अभी तो ताने छेड़ कर तराने भी गाने हैं, पानी के संतूर कालिया नाक पर बैठ कर बांसुरी बजानी है। लहरों के आलोह अवरों में कितने ही भ्रम हो उतार चढ़ाव हो, ठहरते सब साथ साजिंदे शर्च पर है। शर्च की पहचान कर चुकी ओ सुरीली रागिनियों, तुमने न जाने कितने बड़े बड़े जहाजों को डूबते देखा है, समुद्र की छाती पर एक उम्र गुजार चुकी ओ बड़ी महारानियों कुछ गुण हमें भी सिखाओ। बच सके हम मछुआरों के जाल से, स्व को विस्मृत कर चुकी जरा महसूस करो हम एक ही हैं, ओ भोली सोन मछलियों एक बार तो हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारी हम शक्ति तुम्हारे जैसी है, पहनापा सीखो। अगली कविता है स्त्रियों की स्त्री। स्त्रियों की स्त्री, उन्होंने हर संभव प्रयास किए पुरुषों के समकक्ष होने के लिए, हिसाब किताब सीखा, हिंसा छल चालाकियां पथभ्रष्ट भी हुई, प्रतिनिधि होने की तड़प को सिगरेट के धुएं में लहराया, प्रेमियों के लिए अनिकेत हो मकानों में रही असुरक्षित, तोड़े वह सभी बंधन जो बनाते उन्हें महाशाली, उतारती रही सभी कोल वस्त्र, बार बार हुई सफल असफल मनुष्य,
लौटी नहीं, खड़ी रही, डटी रही, आंखों की गोर में छलकते आंसुओं की सूक्ष्म धारा जो कभी दृश्य कभी अदृश्य, अथक प्रयास के बाद भी उनकी स्त्री मरी नहीं, अधमरी सी उस शराब में तैरती रही जिसका नशा बरकरार है। अगली कविता है सृजनशील व्यस्तताएं। दरवाजे पर भिखारी ने गुहार लगाई, रोटी दे दो, मैंने अनसुना किया, उस वक्त मैं भूत पर कविता लिख रही थी। उस पर ध्यान देती तो एक बेहतरीन कविता लिखने से चूक जाती। वह गुहार लगाता रहा, मैं लिखती रही, मैं लिखती रही। न जाने कितने भरे बादलों से हृदय झमा झमझमा कर मुझ पर बरसना चाहते थे, मेरे कंधों पर सर टिका कर रोना चाहते थे। मेरे पास समय का अभाव था, कैनवस पर चित्रकारी कर रही थी, कंधों पर लहराती घुंघराली जुल्फों में रंग भर रही थी, मैं व्यस्त थी। पड़ोस के घर में स्त्री घरेलू हिंसा से पीड़ित चीख रही थी, मैं नारी सशक्तिकरण पर प्रभावी लेख भाषण लिखने में व्यस्त थी। मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी मुझे, तालियों के शोर में उस स्त्री का रोदन कहीं धीरे धीरे नैपत्य में मंद होता रहा, मैं लिखती रही, लिखती रही, लिखती रही। इन दिनों उदास रहती हूँ, इन दिनों उदास रहती हूँ, कभी कभी जुगाड़ में भी रहती हूँ। मैं कलाकार, मैं सृजनशील, मैं सक्रियतावादी, संवेदनशील कवि, लेखक, वक्ता, मुझे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। एक कविता है स्त्रियां प्रेम कविताएं लिखती हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर गली मैसेंजर चौराहे पर हर जगह उपलब्ध है। स्त्रियां प्रेम कविताएं लिखती हैं, इसका अर्थ यह नहीं वह गली मैसेंजर चौराहे हर जगह उपलब्ध है। वह राखी तुम कलाई, वह बिछिया तुम मंगलसूत्र, तुम सखा बनने को तत्पर वह सहचरी समझी ना गई, तुम सखा बनने को तत्पर वह सहचरी समझी न गई, तो मांग का सिंदूर वह जड़ाओ जयपुरी जूतियां, तो मांग का सिंदूर वह जड़ाओ जयपुरी जूतियां। स्त्रियों को सिर्फ शब्दों में माँ बहन बेटी न जाने कितने गर्मा में शब्दावलियों से तुम नवाजते रहे, लिखती है, लिखती है मनुष्य नहीं समझी जाने। एक थोड़ी सूजी का कविता है, देखिए शायद आप कनेक्ट कर पाए। कब्रगाह, उसने पूछा कहाँ रहती हो, वह बोली मुर्दा घर में। उसने पूछा कहाँ रहती हो, वह बोली मुर्दा घर में। उसने विस्मय से देखा, वह बोली हाँ मैं मुर्दा घर में रहती हूँ। चंडाल जब मुझे निर्वस्त्र करता है, मेरी खोपड़ी पर प्रहार करता है, मेरी अस्मिता को अग्नि दाह देता है, मैं अर्थी से उछलकर कूद पड़ती हूँ, चीखती हूँ, कहती हूँ जीवित हूँ। देखती हूँ अपना आसपास, दिखाई देते हैं स्त्री पुरुष, लेकिन मेरी दारू पुकार से बेखबर वह लाश की तरह संवेदना शून्य है। कभी कभी दफनाया जाता है मुझे, कभी कभी दफनाया जाता है मुझे बहुत गहरे जमीन के भीतर, तब उस कब्र से उठती हूँ, हटाती हूँ अपने ऊपर से मिट्टी, जहाँ दिखाई देते हैं गुलाब जो मेरे प्रियजनों ने रखे हैं। मैं चीखती हूँ मत रखो मुझ पर गुलाब, मैं अभी जीवित हूँ। मैं चीखती हूँ मत रखो मुझ पर गुलाब, मैं अभी जीवित हूँ, स्वीकार करो मेरा जीवित होना। चांडाल को कोई जरा बताओ यह स्त्री जीवित है, इसे दर्द होता है।